मैं आप लोगों को ये याद दिला देना चाहती हूँ कि मैंने आप लोगों की सिर्फ राय मांगी थी, और मैं बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर शाही इंडस्ट्रीज आप सभी शेयर होल्डर्स को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अब मैंने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है। अरे, ऐसा कैसे? How can she do it? और कल मैं ये पेपर साइन करूंगी। तुमने बुलाया था पिया? ऐसा क्यों किया शेखर? मैंने सिर्फ राय दी अपनी। चाहे वो राय मेरे अगेंस्ट जाती हो? पिया, तुम देख नहीं सकी शायद, पर वहां मौजूद हर इंसान की राय तुम्हारे अगेंस्ट थी। शेखर, मैं जो कर रही हूँ कंपनी के भले के लिए कर रही हूँ। पिया देखो, कंपनी के भले के लिए तुम पहले भी लड़ रही थी अकेली, तब तो मैं भी नहीं था, पर आज जो फैसला लिया है तुमने उसमें कंपनी के साथ जुड़े कई लोगों को तुम पीछे छोड़ गई हो, मुझे भी। शेखर, मुझे शाही इंडस्ट्रीज वापस उसी ऊंचाई पर चाहिए जहां थी, किसी कीमत पर भी। तुम चाहो तो मेरा साथ दे सकते हो, और चाहो तो साथ छोड़कर जा सकते हो। पिया, मेरी एक बात याद रखना, मंजिल पर पहुंचने की खुशी तभी होती है जब हम सफर साथ हों। मैं तो एक कतरा भी नहीं, पर तुम्हारी मंजिल पर अगर बाबा दादी मिली ये सब ना हुए तो सब बेमानी होगा, बेमतलब। चलता हूं मैं। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट सदियों का सफर। जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे। तू सब कुछ छोड़कर चला जाएगा, दिमाग खराब हो गया तेरा? वक्त खराब हो गया मेरा। देख, अभी शाही इंडस्ट्रीज को मेरी जरूरत नहीं है। और शाह फैमिली को? अभी पिया को बहुत चाहता है, वो एक बार दोनों शादी कर लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। और तेरे प्यार को क्या होगा? मेरा क्यों, पिया से प्यार नहीं करता तू? शायद यही मेरी सजा है, वो खुश रहे मैं भी खुश हूं, और प्यार किया तो कोई जरूरी तो नहीं कि मिल ही जाए वो आपको। गुड इवनिंग जिम, हाउ आर यू? थैंक्स फॉर कमिंग, दैट्स पिया फ्रॉम शाही इंडस्ट्रीज। हेलो, हाय जेनिफर, यू गाइस आर डूइंग वेल? ओके, हेल्प योरसेल्फ, कम मीट दिस फ्रेंड ऑफ माइन। हे चैंडलर, हाउ आर यू? सो गुड टू सी यू। हेलो, हाउ आर यू? दैट इज पिया फ्रॉम शाही इंडस्ट्रीज, आई टोल्ड यू। हेलो, हाउ आर यू डूइंग? दैट्स ट्रू।
मैसेज फॉर बॉस को प्लीज। हेलो शेखर, मैं बोल रही हूँ पिया। फोन उठाओ शेखर। हेलो पिया बोल रही हूँ शेखर, प्लीज फोन उठाओ। बॉस को शेखर, बॉस को। देखो शेखर, मैं मर्जर पे हूँ, अकेली हूँ, कोई नहीं आया, तुम भी नहीं आए, प्लीज फोन उठाओ। अगर शेखर तुमने मेरा साथ तब दिया जब कोई उम्मीद ही नहीं थी मुझे, फिर आज आज कैसे अकेला छोड़ सकते हो? आई नीड यू शेखर, प्लीज आई नीड यू हियर। हेलो शेखर। बाबा आप तो समझते हो ना, मुझे यहां से चले जाना चाहिए। मैं गुनहगार हूं आप सबका। मैं सोचता था कि अगर आपके किसी भी काम आ सका तो वो मेरा प्राश्चित होगा, पर नहीं, मेरी सजा शायद ये है कि मैं आपके किसी भी काम ना सकूं। मेरी सजा शायद ये है कि मैं आप लोगों का प्यार ना पा सकूं। बाबा मैं चलता हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अम्मा एक बार गले लगा ले। अम्मा मिली कहाँ है? पता नहीं, वो कहीं बाहर गई है। तुम्हारे लिए ये दे गई है। मुझे लगा आपको रोक नहीं सकूंगी और आपको जाते हुए देख भी नहीं सकती थी। भाई के जाने से बहुत दुख होता है ना, अब किसी को भैया नहीं बनाऊंगी। मिली या एक्सक्यूज मी, डू यू नो वेयर पिया इज? आई थिंक शी इज देयर। थैंक यू। आई नो। एक्सक्यूज मी पुपू, क्या बात है पुपू? तुझे क्या लगता है तू क्या कर रही है? हाँ, किसके लिए कर रही है? अपने लिए तो नहीं कर रही ना? कभी सोचा है कि आज तू यहां अकेली क्यों है? बाबा, अम्मा, मैं, मिली, हमें से कोई भी क्यों नहीं है यहां? शेखर क्यों नहीं है यहां? शेखर के आने से पहले हम सब इस बात के लिए तैयार हो चुके थे कि एक ना एक दिन बैंक शाह इंडस्ट्रीज को नीलाम कर ही देगा। वो तो शेखर के आने के बाद ही सब कुछ ठीक होने लगा ना। आज वही शेखर सब कुछ छोड़कर वापस बंबई जा रहा है। तू एक बाप से उसका बेटा छीन रही है, एक बहन से उसका भाई, और मेरे बच्चे, अपने आप से वो एक इंसान छीन रही है जिसे तू प्यार करती है। जा जा, जाके रोक ले उसे, वरना वरना इतनी अकेली हो जाएगी जितनी जिंदगी में कभी नहीं हूं। इश्क का दर्द है, दर्द है इश्क का, इश्क का।
कहीं